सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो.com इंडिया जी नंबर वन सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असावट फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिन, काउंसलिंग भी प्रोवाइड करना आहियो, असा सा हजारे सिंधी परिवार जोड़ेला आहिन। पेड मेंबर्स जे लाए फ्री रिश्तो मीट, एक कॉन्फ्रेंस रूम, वो भी रिफ्रेशमेंट सा गड, तपो इंतजार छाजो, खणो फोन ए कांटेक्ट कयो रिश्तो.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पोलीस आता हा जो बोर्डा आहे असं काय फालतू पडले, तीन वर्षांपासून पडले ना बरेच, मी तर आता अशा अडगळी अडगळीच्या गोष्टी काढून टाकलेल्या बरं, गरज आहे ना अशीच आपल्याला जागा, आपली लोकसंख्या किती वाढत आहे। हे म्हणजे हा बोर्ड माझ्यामध्ये असा होता, काम चालू होतं, त्याचा परस्पर हलवलाय। अच्छा अच्छा, आणखी आपण स्टेशन मास्टरला काही सूचना द्यायच्या काही, तुमचं खानपान वगैरे साफसफाईचे विश्रामाला इथलं मधलं कसं आहे, आता ते गाड्या वगैरे पॅसेंजर असतील रिक्वायरमेंट नुसार उघडत, कारण कसं असतंय मेन साफसफाई कर्मचारी ही आहे खूप कमी। माझं काय हे मूलभूत खर्च म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं आहे, तुझी जर सफाई व्यवस्थित असेल तर लोक बाहेर पण बसतील, चांगलं निसर्ग बसण्यासाठी वगैरे काय घ्यायचं, बसण्यासाठी अरेंजमेंट बरोबर आहे, अगदी व्यवस्थित आहे, बाकडे वगैरे भरपूर आहे, लोकल वगैरे कठडे वगैरे भरपूर, लोकल गाड्यांमध्ये काही त्रास नाही, लोकलचं काय नाही, तृतीय पण ते येतात, चक्के वगैरे येतात, त्यांचा काही त्रास नसतो। अच्छा, हँडिकॅप बोगीमध्ये त्रास देऊन काय करत नाही केलं तर, अच्छा बोगीमध्ये हँडिकॅप बोगीमध्ये येऊ शकते, तुटलेले पडलेले आहेत ते होता, आणि आम्ही आमच्या डोळ्यांनी बघितलं की त्या स्टेशन मास्तरने ठेवून हे सगळी खडी टाकून हा खड्डा बुजवण्याचा प्रयत्न केला, म्हणजे तो जो व्यक्ती आहे तो किती चांगल्या प्रकारे काम करतो ह्या गोष्टीवरनं दिसत, स्टेशन मास्तरने ऍक्शन लेना चाहिए। नाही लोक पकडते ना, लोक पकडले पकड़ के क्या करते हैं उनको, यानी देखो अभी आप मेहनत कर रहे हैं, आप ऑलरेडी डिवाइड करके थ्रू है आपके नंबर से, फिर हॉकर्स अंदर आएंगे तो हॉकर्स का क्या फायदा, फिर आप लोगों का क्या फायदा, पुलिस वाले कितने का पावती फाड़ते हॉकर से, लेकिन हॉकर तो फिर और कुछ तकलीफ नहीं देते, पावती फाड़ के छोड़ देते, अंदर पहुँचा देते कल्याण में पहुँचाते, और दूसरे कोई जगह नहीं। अभी यहाँ पे तुम्हारा ये है क्या, जी आर पी है यहाँ पे, और अपना सेंटर सी आर पी एफ, आर पी एफ, सी आर पी एफ भी है, जी आर पी भी है, और अपना टिकट का जो है टिकट कलेक्टर है, एस डी आर, एस डी सी, वो साइड में। काहीच नाही सर, ते ठेवलंय का, कैसे कैसे कुछ दिखाओ ना आइटम, क्या क्या आपके आइटम का कुछ लिस्ट है क्या, ये पानी भी आपका है क्या, नहीं तो ये चल रहा है, ये रेलवे का है, नहीं तो करके रख देता तो उठा के लेके चला जाता। अच्छा, काउंटर में थोड़े बहुत जो है तो आप उनके सीआरएफ को बुला लीजिए, पीटीआई को भी बुलाए, कोई जितने भी ये छोटी है तो हम 5 मिनट के लिए उनसे डिस्कस करके, कोई तुम्हारे पास मिलेगा नहीं यहाँ पर, चलिए नो प्रॉब्लम, आइए आप आइए, परसेंट मुझे अच्छा लगा, वेरी हैप्पी, आप बोल रहे हैं जो ठीक है, लेकिन क्या अभी देखिए हमारा ब्रिज गड़बड़ पड़ा हुआ है, बात पूछनी थी मुझे, मैं उधर से चालू कर दिया है। ओके, कर्जत स्टेशन पे एक बात बहुत अच्छा लगा,
कि हम देख रहे थे वर्मा जी इनका नाम, ये तो हमें पहचानते नहीं, उन्होंने जमीन से पत्थर निकाल के खड्डे के अंदर डाले और प्लेटफॉर्म के ऊपर का खड्डा इन्होंने बंद किया। ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि जो बातें हम कभी कभी सुनते हैं उस तरह से नहीं रहता है, और सफाई भी यहाँ पे हमें काफी अच्छी मिली है कि किस तरह से कोशिश करेंगे। वहाँ पे एक बोर्ड पड़ा है काफी समय से, उस बोर्ड को आप हटा दो, करजत नाम का बोर्ड पड़े उसको भी आप निकाल दो, क्योंकि इंजुरी हो सकता है वहाँ पे जो बैठे ना आदमी। ये बुकिंग ऑफिस है और इधर पूरा समय नहीं चल रहे इधर इधर। अच्छा, यहाँ पे ओनली एक ही सजेशन मेरा ये रहेगा कि आपके काउंटिंग के बाद में एक्सेस मनी कुछ आता है डेली? डेली नहीं, कभी कभी आता है। कितना आता है एक्सेस मनी? आता ही नहीं सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि एक्सेस मनी आता नहीं है। और जो एक्सेस मनी आता है उसका क्या किया जाता है? वो तो अपना कॉलम रहता है उधर आप डाल देते हो। हाँ, और एक आपको पता होगा सब लोगों को, 50 रुपए से ज्यादा एक्सेस मनी नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं सर, 1-2 रुपए कभी हुआ तो हुआ। ओके, वेरी गुड। हाँ, काफी बातें सुनी थी हमने, बट जो सफाई है स्टेशन मास्टर जी हमने देखा तो हमें अच्छा लगा। उधर गुप्ता जी, जी गुप्ता जी नाम है उनका, वर्मा जी, वर्मा जी, उन्होंने अपने हाथों से वो सब खड्डा बंद किया। चलो आइए, पेट ज्यादा था ये इतना ही रह गया सिर्फ आपका मेरे ख्याल। ये भी रिपेयर होना है, ये भी होना है पूरा। हाँ, डाउनरिंग डालेगा, लेकिन क्या हो गया 30 बाद में रात पे डाउनरिंग कर ले। ओके, क्योंकि अगर ज्यादा खोलेंगे सर यहाँ राजनीति इतनी ज्यादा है। चेकिंग जो है यहाँ से हम लोगों को नेरल तक तो काफी ख्याल रखना है, और एक रिक्वेस्ट ही रहेगा मेरा आप लोगों के लिए कि हम आम जनता के लिए काम करते हैं, तो देखा जाए कि नीडी लोगों को हम जरूर हेल्प करें। सही बात, कभी किसी के पॉकेट में पैसा नहीं है, तो हम भी कभी विदाउट, मैं भी कभी ऐसा था दिन के हमें विदाउट टिकट जाना पड़ता था, तो मैं ये चाहूंगा कि आप नीडियों को मदद करें। करते सर। हाँ हाँ, और यहाँ पे मैंने जो सुना था वो हिसाब से तो मुझे काफी सफाई लगी और बाकी काफी बातें अच्छी, पानी है। हाँ, ये जरा इनको रिंग करिए ना, जो हमारे यादव फोन नहीं उठा रहे हैं अभी, सब खाना खाके लगता बैठे होंगे, तो किसी को बोलिए ना, कोई टीआरपी की तरफ बुलवाइए ना। रेलवे कमेटी स्टोर है, रेलवे वाले तो कॉन्ट्रेक्टर का ही है। हाँ, डॉक्टर डॉक्टर खाना खाने के लिए गए अभी। कितने बजे आते हैं? आएंगे अभी, डॉक्टर नीलेश चौहान। सीआर पास में जाता है स्टोलन ट्रॉप। हाँ, अच्छा, ओके। आपकी जो दिक्कत है, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो दिक्कत आ रही हो मुझे बताए, ताकि हम इसे एक अलग तरीके से पेश। अच्छा अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल सेक्शन जो है बंद है क्या सब? है करते आ जाइए। आणि इथे सगळं रुरल एरिया असल्या कारणाने मग प्रॉब्लेम असेल थोडा थोडा। गाडीमध्ये हे घ्या, येतं पण हे या प्रकारे कोणी ऑफिसर को बोलाने काय? ओके, कुछ है यहाँ पे अभी हेल्थ फैसिलिटीज का, इमरजेंसी ट्रीटमेंट वगैरह का? माथेरान जो आपका ट्रेन जा रहा है, ओके, बदलापुर के बाद बस क्लास में बहुत सारे लोग जो है, लोगों का रेगुलर प्रैक्टिस है बस क्लास के बाद बदलापुर के बाद है, पीपल अननेसेसरीली कंप्लेंट करते हैं हमारे, कोई मतलब नहीं पब्लिक का। देखो क्लीनलीनेस ऐसा फैक्टर है। अच्छा, अब वॉश मशीन को ही जाके देखो, अभी क्लीन करो, 2 मिनट के बाद जाके उधर दिक्कत होने वाली। बोलो, एक दो सवाल हम थोड़ा पूछ के मैटर खत्म करेंगे। और जो ऊपर से ट्रेन आ रहा है, ऊपर को दर्शन एक मॉर्निंग शिफ्ट का चलता 6-14, तो त्यांचे 20। अच्छा, ओके ओके। आरपीएफ क्या है? आरपीएफ क्या होता है? जीआरपी होते हैं। अरे हो, ये तो काय, चलो एक मिनट थांबा, काय ग्रीवेंसेस वगैरे काय तकलीफ वगैरे सांगू शकता तुम्ही? तिथे व्हाट आई हैव टू आस्क यू, काय एक्सेस मनी येतो का आपल्याकडे कधी काउंटिंग करताना? एक्सेस येतं का डिफिशियंट येतं लक्षात आलं? तो प्रश्न विचारण्याचा उद्देशच तो होता। आणि आपल्याकडे जर काही पैसे आले ऍडिशनल वगैरे, तर तुम्हाला हे माहिती आहे ना, एक्सेस 50 रुपयाच्या वरती गेले तर केस होते। ओके, एनिथिंग आहे?
पानी असतं का? पाणी पाणी असतं का इथे शौचालय स्वच्छगृहात? असतं दोन दिवस नव्हतं. दोन दिवस आता येते ना पाणी? आपल्या कधी नव्हतं दोन दिवस? परवा दिन नव्हतं. अच्छा, बाकी स्त्रियांना काही त्रास होत नाही ना? तर याला काय रक्ताची डाग असतात वगैरे? क्लीन करतो, क्लीन करून मग तिथे बाहेर. ओके, कंट्रोल रूम टाइप ना? सो यू आर मोमेंट ऑफ द ट्रेंस. हाँ, ओके ओके. और आपको कुछ इधर तकलीफ है, प्रॉब्लम्स कुछ? 24 आवर्स में आपका ड्यूटी पूरा कंप्लीट नहीं रहता है? प्रॉब्लम त्यांना काय येतात काय नाही दोन मिनिटं बोलून घेऊ त्यांच्याबरोबर. आता हे जे आहे एकच ब्रिज येते ना आता खाली बघा. कौन है इधर? नहीं है. अच्छा, कैसे करते? हाँ करो ना, वरती तोडूनच एक्सप्लेन करा, असं करणार नाही. या हे फक्त मॉडेल बनवून ठेवलेले ओके. पहिली नेरल मंत्र्यांची सुरू झाली ना त्यावेळी, पहिली इंजिनियर त्यावेळी त्यांनी स्वतःचा खर्च टाकून एवढं केलेली. ओके, नंतर मग स्वतःच्या खर्चाने ट्रान्झिट टाकली. शेती जो कमिटी क्यू आहे ना, आमचे मेंबर आहे रेल्वे बोर्ड से, लोक जो डायरेक्ट स्टेशन में जाके मतलब इंस्पेक्शन करने को बोला है, तो सब चीज चेक करते हैं. हमारे सबसे हो गया आपका जो क्रिकेट. और पानी आपका कहाँ से है? अच्छा, स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्मेशन रहता है आपका, इनके हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह? और ये कितना एरिया अलॉट किया है आपको, कुछ पता है? नहीं नहीं नहीं, रफली 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 उतना पेमेंट तो आप रेलवे को देते होंगे इसका वाला. ओके चलो, थैंक यू. आप लोग अभी आ रहे हैं इधर से, हाउ डू यू फील द जर्नी? इज इट गुड, ओके या ट्रबल सम? कैसा रहा है आप लोगों के लिए? एवरीथिंग इज फाइन, इफ यू एंजॉय द थिंग अदर नो प्रॉब्लम एनीथिंग इन ट्रैवलिंग? गुड गुड. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है गाड़ी चलाने में? इधर इधर देख, एक्सपीरियंस कैसा रहता है चलाने में? कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है? सही, एवरीथिंग इज फाइन, रोड इज ओके. उनको भी वो अच्छा ये वो आ पाएंगे नहीं कर नहीं वो जाएंगे. ये काका अभी लेके गाड़ी आ रहे हैं, ये आपसे बात करेंगे अभी यही. अच्छा ओके, अभी गाड़ी अंदर देता हूँ. ये गाड़ी अभी देता हूँ, ये निकल जाएगी. अच्छा, तो आपको करवेचर, ये दर्शन तो करवेचर वगैरह तो आप चेंज नहीं कर सकते करवेचर को? हाँ, चेंजेस क्या कर सकते हैं, अपग्रेड क्या कर सकते हैं? तो सर उसमें क्या कुछ ऐसी लोकेशन मतलब है ना, उसमें भी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मतलब जैसे तुरंत ट्रैक के बाजू में कम खाई. हाँ हाँ हाँ, तो अभी अभी तो फिलहाल एवरीथिंग इज फाइन. हाँ यस, अभी आपको ऐसा लग रहा है बारिश में और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ, बारिश में प्रॉब्लम हो जाए, वो सब वॉश आउट हो सकता है. उसके लिए पहले प्राइमरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए ना? यही है, तो और 4-5 करोड़ का आपने को फटका.
मुझे वॉश आउट हो सकता है। ओके, ऐसे कितनी जगह है? ऐसी लोकेशन है। इतनी कितनी जगह है जैसे वॉश आउट हो सकता है? बहुत। इसके बारे में अगर कुछ आपको तकलीफ है उसे आप कर सकते हैं। आप जब ले रहे हो कुछ कर्वेचर रहेंगे, क्या आपने कोई ऐसे स्पॉट देखे कि जहाँ पे वॉश आउट हो सकता है या तकलीफ का लग रहा है, दैट कैन बी डैमेज इन द फ्यूचर? सर ऐसे तो अभी बोल नहीं सकते क्योंकि अभी धीरे धीरे ये उसको कवर अप भी कर रहे हैं, मतलब कि रिपेयर भी हो रहा है, रिन्यू हो रहा है, ट्रैक भी रिन्यू हो रहा है, तो वो तो अभी ऐसे तो बोल नहीं सकते। और जो पार्सल अभी इसी में लेके जाते हो पार्सल भी लोगों का, तो पार्सल के लिए आपको क्या लगता है लोगों का बराबर है, लोडिंग ज्यादा है या ऐसे? बहुत नॉमिनल लोडिंग जाता है, जैसे कुछ ज्यादा नहीं लोडिंग, टेरवेट जो फिक्स है इससे ज्यादा एक्सेस लोड करते हैं। ओके, लेकिन रेट जो है हमारे कहने का रेट तो रहता है। बाकी आगे कुछ तकलीफ है? नहीं सर ऐसा तो अभी तो कुछ तकलीफ। ओके ओके, आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि झेडारी सीसी मेंबर और हम लोगों ने यहाँ से नेरल और करजत ये दो स्टेशनों का मुआवजा किया। वहाँ पर ये बातें पता चली, नेरल के अंदर जो मीटर गेज छोटी गाड़ी चल रही है माथेरान तक, काफ़ी अच्छी सर्विस है उन लोगों की। वहाँ पे काफ़ी लोगों का हमने पूछने के बाद में ये पता चला कि आदमी लोग जो टूरिस्ट जा रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ के स्टेशन मास्टर मिस्टर पाटिल से हमारी बात हुई, पाटिल ने वहाँ की कई अच्छी बातें हमें बताई। ये हिल स्टेशन के लिए हमें रेलवे को एक गुजारिश ये करनी है कि हमारा रेलवे का रेवेन्यू वहाँ के पार्सल से बढ़ सकता है, इस तरह से स्टेशन मास्टर ने हमें बताया। उसके बाद में करजत जाने के बाद वहाँ पर जो हरिचंद्र स्टेशन मास्टर थे, इन्होंने हमें ये बताया कि वहाँ पर जो वर्किंग स्टाफ है उन लोगों को काफ़ी कम मिल रहा है जितना रिकॉर्ड के ऊपर है। वैसे स्टेशनों की सफाई अच्छी दिखी, रिजर्वेशन काउंटर चेक किए गए, उनके हेल्थ चेकअप के जो जो भी उनके पास में फर्स्ट एड वगैरह बातें थी वो भी हमने चेक की। लेकिन इन्हीं दोनों स्टेशनों पर जाकर हमने झेडारी सीसी मेंबर की तरफ से यह उन्हें सलाह दी कि जो आमदनी रेलवे स्टेशन की है उससे अच्छी तरह से सुविधाएं पैसेंजर लोगों को दी जाए और पैसेंजर लोगों के हर एक बात का ख्याल रखा जाए। जब इन दोनों स्टेशन मास्टर से बात की तो हमें ये पता चला कि वहाँ पर लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही है वो अटमोस्ट कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी मिले। और हमारे चेकअप में हमें मिला कि वहाँ पर थोड़ा स्टाफ कम होने के बावजूद भी सफाई अच्छी थी, पानी का सप्लाई अच्छा था, खान पान की सेवाएँ अच्छी थी और माथेरान के अंदर भी काफ़ी अच्छी सेवाएँ हमें मिली।